विक्रम वेदा मूवी और पीएस मैन मूवी में से कौन सी मूवी अच्छी है, इन दोनों मूवियों में से कौन सी मूवी चलेगी और इन सभी चीज़ों पर आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ हिंदी ऑडियंस को ही काउंट करूंगा। मूवी को देखने जाना है या नहीं, ज्यादातर हम डिसाइड ट्रेलर देखकर ही करते हैं। पीएस वन मूवी और विक्रम वेदा मूवी में से ज्यादा लोगों को विक्रम वेदा का ट्रेलर पसंद आया है। उस ट्रेलर में मास अपील वाली बात है। मास ऑडियंस के लिए विक्रम वेदा ट्रेलर काफी अच्छा बना है और उधर पीएस वन मूवी का ट्रेलर काफ़ी सिंपल रखा गया है और उससे ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होगी। उनके पास एक ऑप्शन है विक्रम वेदा। फर्स्ट डे ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी में विक्रम वेदा मूवी को देखने जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है एक्टर। हिंदी ऑडियंस में ऋतिक रोशन का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। पी एस वन मूवी में विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, कार्तिक और इसके साथ मल्टी स्टार कास्ट है, इन सभी पर भारी पड़ते हुए हिंदी ऑडियंस में ऋतिक रोशन दिखते हैं। पहले दिन ऋतिक रोशन के लिए भी लोग मूवी देखने जाएंगे। पी एस वन मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई और जो विक्रम वेदा मूवी को पहले देख चुके हैं ओरिजिनल मूवी को, वो दोबारा देखने जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें ओरिजिनल मूवी से अच्छी मूवी नहीं लगी, आप ओरिजिनल मूवी देखो, फिर हो सकता है कि हिंदी बैलेट में पी एस वन मूवी चल सके और फिर भी उसे चलने में 2 या 3 दिन लगेंगे। एक मूवी को खास बनाता है मूवी का क्लाइमैक्स। ओरिजिनल मूवी में विक्रम वेदा का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा ही। इधर बात करते हैं पी एस वन मूवी के बारे में। इसकी स्टोरी भी एक नॉवल पर बेस है, तो मैंने नॉवल की स्टोरी पढ़ी है। इसका भी क्लाइमैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन सकता है, पर वो डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो स्टोरी लाइन को कैसे दिखाना चाहता है। जैसा मैं क्लाइमैक्स सोच रहा हूँ पी एस वन मूवी का, वैसा क्लाइमैक्स निकला तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा चल सकती है अपने क्लाइमैक्स के दम पर, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट आना है और स्टोरी में देखने को मिलता है वो लास्ट में दिखाया जाए तो काफ़ी बड़ी मूवी बन सकती है पी एस वन हिंदी ऑडियंस में। पर विक्रम वेदा का तो क्लाइमैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ही, ओरिजिनल मूवी में हमने देखा हुआ है। जो फर्स्ट टाइम देखने जाएंगे विक्रम वेदा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्लाइमैक्स होगा। हो सकता है कि विक्रम वेदा मूवी में क्लाइमैक्स को चेंज किया जाए और मैं पी एस वन मूवी का जैसा क्लाइमैक्स सोच रहा हूँ स्टोरी को पढ़ने के बाद, वैसा हुआ तो एक शॉकिंग क्लाइमैक्स होगा पी एस वन मूवी का। विक्रम वेदा मूवी के क्लाइमैक्स पर पी एस वन मूवी का क्लाइमैक्स ज़्यादा भारी पड़ता हुआ नज़र आया तो पी एस वन मूवी क्लाइमैक्स के दम पर भी हिंदी ऑडियंस में चल सकती है। एक मूवी को बेहतर बनाने का काम होता है डायरेक्टर का। पी एस वन मूवी को मणि रत्नम सर ने बनाया है और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने इससे पहले कई आइकॉनिक मूवी बना रखी हैं, उनके डायरेक्शन में कमी निकाल ही नहीं सकते। विक्रम वेदा मूवी के डायरेक्टर की जोड़ी सेम है, ओरिजिनल मूवी जिन्होंने डायरेक्ट की थी वही विक्रम वेदा को डायरेक्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा बढ़िया है इस मूवी में, उनके पास रिव्यू है कि इसमें क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है, तो वो उस तरीके से स्टोरी को बनाएंगे। और ट्रेलर में देखने को मिल रहा है इसमें एक्शन ज़्यादा प्लस हो चुका है और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है विक्रम वेदा मूवी को, और इनके पास उस मूवी से ज़्यादा बजट है, तो ज़्यादा बजट है तो अच्छी तरीके से जो चीज़ उन्होंने सोची है वो दिखा सकते हैं। पी एस वन मूवी जितना तो बजट नहीं होगा इनके पास, पर ऑडियंस को क्या पसंद आया था, कौन सी चीज़ नहीं पसंद आई थी, वो उस तरीके से इस मूवी को बनाएंगे। इस पॉइंट पर मुझे लगता है पी एस वन से विक्रम वेदा मूवी ज़्यादा बढ़िया बन सकती है। विक्रम वेदा मूवी को हिंदी बेल्ट में स्क्रीन्स भी ज़्यादा मिलेंगी और पी एस वन मूवी को विक्रम वेदा मूवी से कम स्क्रीन्स मिलेंगी। मान लीजिए कि विक्रम वेदा मूवी लोगों को पसंद नहीं आती, इसके चांसेस बहुत कम है, ऐसा हुआ तो विक्रम वेदा मूवी की स्क्रीन कम होते होते 3 या 4 दिन लग जाएंगे पी एस वन मूवी को ज़्यादा स्क्रीन मिलने में। इस वक्त ज़्यादातर लोगों को वो मूवी पसंद आ रही हैं जिसमें एक्शन हो, हैवी डायलॉग डिलीवरी हो, हीरो का स्वैग दिखता हो, और विक्रम वेदा में ये तीनों बातें मिल सकती हैं। आपने पहले देखी होगी आरआर मूवी, उसमें एक्शन है, हैवी डायलॉग डिलीवरी है, दोनों हीरो का स्वैग है। केजीएफ मूवी में भी सेम चीज थी और पूसा मूवी में भी सेम चीज थी और विक्रम वेदा मूवी में भी सेम है, तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये ज्यादा मूवी चलेगी। पी एस वन मूवी के ट्रेलर को देखने से लगता है कि वो बिल्कुल सिंपल मूवी बनी है, उसके सिंपल डायलॉग हैं, पर मूवी में उन्होंने क्या डाल रखा है हम जानते नहीं, मूवी जब रिलीज होगी तभी हमें पता चलेगा। पी एस वन मूवी का और विक्रम वेदा मूवी का ट्रेलर देखने पर और सभी चीजों का एनालाइज करने पर विक्रम वेदा मूवी ज्यादा अच्छी चलेगी। मैंने विक्रम वेदा मूवी और पी एस वन मूवी के ट्रेलर का रिव्यू कर रखा है, आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हो इसी ही चैनल पर, और मुझे दोनों ही ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।